Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about Stokes theorem. तो स्टोक्स थ्योरम जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका टॉपिक है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेनली जो दो डिफरेंट थिंग है जो मतलब आपने 12th क्लास से डिफरेंटली आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में करोगे वो है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड आपका कर्ल हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स थ्योरम। तो मेनली जो स्टोक्स थ्योरम है वो क्या होती है, दिस थ्योरम एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। कि मतलब आपका एक तरह से एक रिलेशन है किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, कि वी कैन यूज दिस टू कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू द लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। मतलब एक तरह से हम लाइन इंटीग्रल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट है वो भी पॉसिबल है कि हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल उसमें चेंज कर सकते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड टेकन अराउंड ए क्लोज पाथ और द लूप इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड टेकन ओवर ए सरफेस बाउंडेड बाई ए लूप। एक तरह से अगर आप स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड जो कि यहाँ पे जैसे मैथमेटिकली हमने शो किया हुआ है दैट इज ए डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ दैट वेक्टर मींस डेल क्रॉस ए। और साथ में क्या हो गया हमारा कि भी जिस रीजन की बात हम कर रही हैं या फिर उस क्लोज लूप के कोरस्पॉन्डिंग कितना सरफेस एरिया है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आपका डी एस। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ये होगा कि ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए और साथ में क्या हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया दैट इज डी एस। अब अगर हम बात करते हैं तो हम सरफेस एरिया की बात अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम किसी प्लेन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन की बात कर रहे हो तो इन्होंने क्या किया, अगर डायग्राम को हम देखते हैं तो ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, टू डायमेंशन प्लेन सरफेस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए और ये आपकी क्लोज कर्व होगी सी। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री रीजन है जो एक तरह से इन स्केयर बॉक्स है उनके फॉर्म में हमने दिखाए हुए हैं। कुछ है वो मैंने मतलब नंबरिंग कर रखी है उसका रीजन है वो हम आगे करते हैं, और बाकी मतलब एक तरह से जो मतलब फील्ड है फील्ड का जो फ्लो होगा वो इसी टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉक्स में जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहाँ, ठीक है, फिर आपका डायरेक्शन, फिर आपका लेफ्ट साइड, फिर आपका क्या होगा डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा सेकेंड में मूव कर रही है तो सेम वे भी वैसे ही होगा। और एक चीज आप देखोगे कि जब हम किन्हीं भी दो बॉक्स की बात कर रही है तो ये फर्स्ट हो गया ये आपका सेकेंड हो गया तो बीच में एक पोर्शन है वो दोनों बॉक्सेस के लिए क्या होगा कॉमन होगा। ठीक है, दोनों मतलब स्केयर रीजन की बात कर रही है उन सरफेस एलिमेंट के लिए जो बीच का जो लाइन है वो एक तरह से दोनों के लिए क्या है कॉमन है। और वहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, अब इस अपोजिट होने का हमें क्या बेनिफिट होगा या फिर इस थ्योरम में क्या है वो हम आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ए टू डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए एंड डी एस, ये हमारा क्या है मैथमेटिकल फॉर्म है कि मतलब लाइन इंटीग्रल है उसको हम किस तरह से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक थ्योरम। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन होगी, यहाँ पे आप बताओगे कि ए है वो हमारा क्या है वेक्टर फील्ड है। अब प्रूफ के लिए इन्होंने क्या किया है, कंसिडर एन ओपन सर्फेस बाउंडेड बाई ए क्लोज लूप एंड पाथ सी एंड प्लेस्ड इन द वेक्टर फील्ड ए एंड डिवाइडेड सर्फेस इन टू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया DS1, DS2, DS3 एंड इस तरह से आपका क्या होता है n एलिमेंट तक हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हर एक एरिया में जो हम मान के चल रही हैं तो एक तरह से एक छोटे छोटे से डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्लोज रीजन है वो मिलेंगे। तो जैसे हम नेमिंग कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग C1, C2, C3 और इसी तरह से जैसे हमने n तक हमने इसको डिवाइड किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 से लेकर आपका CN तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज कर्व होगी उसके कोरस्पॉन्ड हर एक क्लोज कर्व के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एरिया होगा जिनका इन्होंने क्या नाम दे दिया DS1, DS2, DS3 एंड आपका क्या हो गया DSN हो गया। उसके बाद इन वन सच एलिमेंट से आईथ हैविंग कर्व बाउंड्री दैट इज CI एंड द वेक्टर एरिया n कैप DSI वेयर n इज द यूनिट नॉर्मल टू DSI।
अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी ith एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो डीएसआई होगा। एंड जो मतलब एरिया के कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हमारा होता है वो हमें पता है, जिस एरिया की हम बात करते हैं उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसकी डायरेक्शन उसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको होगी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो क्लोज बाउंड्री होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी आई हो गया। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड द बाउंड्री ऑफ एलिमेंट्री एरिया एस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ए एंड एलिमेंट्री एरिया डीएस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल है वो हमारा किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड एंड साथ में जो भी एरिया है जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे डीएस से। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप क्या कहोगे कि ए डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इन साथ में डीएस। अब तक हमने डीएस लिखा था, अब हम उसके साथ उसका मतलब जो डायरेक्शन है जो एन कैप से डिनोट करती है वो लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप एंड आपका क्या हो गया डीएस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कर्ल ऑफ ए क्या होता है आपका डेल क्रॉस ए होता है। डेल हमारा क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, कर्ली बाई कर्ली एक्स आई, कर्ली बाई कर्ली वाई जे एंड कर्ली बाई कर्ली जेड। ठीक है, के हो गया, तो यहाँ से आप देखोगे कि मतलब आपका कर्ल हो गया। ठीक है, उसके बाद कर्ल ऑफ वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब दो दो वेक्टर्स होते हैं जिनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। उसका आप क्या आपको क्या करना है एक तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन विद क्लोज दिस सर्कल दिस डिनोट द लाइन इंटीग्रल टेकन ओवर ए क्लोज्ड बाउंड्री ऑफ द एलिमेंट्री एरिया डीएस। ये एक तरह से हमारा मतलब क्लोज्ड बाउंड्री के कोरिस्पॉन्डिंग लाइन इंटीग्रल है उसको शो कर रहा है। ठीक है, डी आर हम लेते हैं या फिर डीएल लेते हैं तो वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है, एक तरह से आप इंटीग्रेशन शो करते हो ओवर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लाइन की बात कर रहे हैं वो हमारी क्या है एक तरह से क्लोज्ड बाउंड्री है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट डी आर, साथ में क्या हो गया डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप एंड डीएस हो गया। तो जो चीजें आप रिप्रेजेंट करती हो तो वो ये ऐसा नहीं कि भाई आपको बुक में ऐसा दिखा हुआ है तो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो सेम चीजें आप जो पेपर अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे भी लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है द सेम रिलेशन विल बी वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्री एरिया अंडर कंसिडरेशन। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल जनरल केस ले लिया वैसे ही हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे, सेकंड के लिए लिखेंगे, थर्ड के लिए लिखेंगे। उसी तरह से हमारे जो एन एलिमेंट्री एरिया हमने कंसिडर किए हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हम सेम स्टेटमेंट है वो हमारी होगी कि एरिया वेक्टर जो भी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा होगा कर्ल ऑफ दैट वेक्टर और साथ में क्या हो जाएगा डीएस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं समराइज कर सकते हैं, कंबाइन करोगे आप, कंबाइन करोगे तो हम क्या ले सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट बॉक्सेस हमने लिए थे हम उनको क्या करते हैं कि कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमने क्या लेना है समेशन लेंगे हम यहाँ पे। तो वी कैन टेक द समेशन फॉर ऑल कंबाइन करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका समेशन के लिए आई इज इक्वल टू, हमने कोई आईथ एलिमेंट लिया है लेकिन आईथ का वेरिएशन हम कहां से बताएंगे कि आई इज इक्वल टू वन से लेकर आपका क्या हो गया एन हो गया। साथ में अब जैसे यहाँ पे आप क्लोज कर्व लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी आई की हम मतलब किसी आईथ एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्लोज लूप की बात कर रहे हैं और वो आपका क्या हो जाएगा डी आर हो गया ए टू डी आर। सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड में करेंगे आई इज इक्वल टू वन से लेकर आपका एन हो गया डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप एंड आपका डीएस हो गया। ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। अब इसने क्या कहा है कि it can be seen that all the line integral within the interior of the surface of cancel each other, this is because that the line integral are opposite in direction along the common side of adjacent area element, therefore we left with line integral which fall in the boundaries। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि अगर हम किसी दो एडजेसेंट बॉक्सेस या फिर एलिमेंट्री एरिया की बात कर रहे हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो बीच में उनका कॉमन जो लाइन है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट एरिया बचेगा या फिर मतलब जो बाउंड्री बचेगी वो सिर्फ उनकी जो आउटर बाउंड्री है वही बचेगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया होगा वो मिलेगा हमें। ठीक है, देयरफॉर वी लेफ्ट विद द लाइन इंटीग्रल व्हिच फॉल ऑन द बाउंड्री सी, सो लेफ्ट सो द लेफ्ट हैंड इंटीग्रल of the equation second will be, अब जो इन्होंने ये बात कही है उसका मतलब क्या है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डायग्राम में अगर हम बात कर रहे हैं दो एलिमेंट्री एरिया,
ठीक है, नेमिंग भी इसीलिए दी है कि आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो उस चीज को पेपर में कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको कह रहे हो कि हर एक एलिमेंट्री एरिया के लिए जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो आपका फील्ड है वो कहाँ हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू और इस तरह से यहाँ पे आया। ठीक है, एक क्लोज लूप में हम बात कर रहे हैं, उसी तरह से सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से शुरू और ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दो एलिमेंट्री एरिया की अगर आप बात कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो कि इन दोनों को का जो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन है, तो इन दोनों के कॉमन में आप क्या करोगे कि कॉमन वाला जो फैक्टर है इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा फील्ड है वो सिर्फ कहाँ कहाँ पे बचेगा, वो सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर बचेगा। ठीक है, तो बाउंड्रीज पे बचेगा, ये किसके लिए हुआ, ये हम बात की है हमने फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। सेम उसी तरह से आप बात करोगे सेकेंड एंड थर्ड के लिए, तो सेकेंड एंड थर्ड में बेटा हम देखते हैं तो सेम उसी तरह से आपका फील्ड इधर से मूव किया और ये जो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे भी फील्ड क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह से हम फोर्थ एंड फर्स्ट के लिए बोल सकते हैं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, ये फील्ड यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा एंड सेम चीज हम देख सकते हैं फिफ्थ एंड फर्स्ट के लिए, तो जो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है, यहाँ पे फील्ड हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो नेट जो इफेक्ट बचेगा वो क्या है, चाहे हम यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड के लिए बात करें तो भी, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए बात करेंगे तो भी, फर्स्ट एंड फिफ्थ के लिए बात करेंगे तो भी, तो वो किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल अगर हम इन सबको कंबाइन करके देखेंगे तो वो जो आउटर बाउंड्री है उसका ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, आउटर बाउंड्री है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज को कि मतलब हमारा जो ओवरऑल जो फाइनल जो बचा है वो सिर्फ किसकी वजह से मिला है हमारा, विच फॉल ऑन द बाउंड्री सी। ठीक है, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया होगा उसकी वजह से समेशन ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन उसको शो कर सकते हैं कि हमारा जो समेशन था वो अब किस में कन्वर्ट हो सकता है, कि जो आउटर जो क्लोज कर्व है सिर्फ उसी की बात है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर क्लोज कर्व दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और साथ में क्या हो जाएगा, ए डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशन होता है उसको एक तरह से कंपाइल करते हैं तो हम यूज करते हैं समेशन, एंड अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है उसके बीच में कोई स्टेप बाय स्टेप कोई वेरिएशन नहीं है तो हम वहां यूज क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन यूज करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन जो लाइन इंटीग्रल का था उसमें समेशन हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लाइन इंटीग्रल में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में, और ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, थर्ड होगी। अब हमारे पास बचा क्या है, राइट हैंड साइड है, समेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेकंड रिड्यूसेस टू द सरफेस इंटीग्रल इफ एन टेंड्स टू इनफिनिटी। हमने जो नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्री एरिया जो डिवाइड किए हुए हैं, अगर हम कह रहे हैं कि एन टेंड्स टू इनफिनिटी, एन टेंड्स टू इनफिनिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एरिया जो डिवाइड किए हैं वो बहुत ज्यादा लेके चल रही है। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया होगा वो किसको टेंड्स कर जाएगा, टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं एक लाइन है, ठीक है, तो एक लाइन है आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो टू पार्ट्स में, आपने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर एक जो पार्ट का एरिया होगा, ठीक है, या फिर आप कोई मतलब प्लेनर कोई चीज ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्लेन में बात कर रहे हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया होगा, तो हम उसको जितना नंबर ऑफ पार्ट्स है वो आप ज्यादा डिवाइड करते जाओगे तो जो मतलब सरफेस एरिया फॉर ईच डिविजन वो आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यही चीज उसने कही है कि अगर हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर जाएगा तो जो छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया है उनके कोरस्पॉन्डिंग एरिया जो होगा किसी इंडिविजुअल के लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तभी इन्होंने क्या कहा कि n dsi टेंड्स टू जीरो। ठीक है, बट द सरफेस एरिया विल बी कांस्टेंट, टोटल सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है, लेकिन हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ डिविजन्स हमने जो किए हैं वो बहुत ज्यादा कर दिए, इसकी वजह से किसी एक एलिमेंट्री एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत स्मॉल होगा, इन बहुत स्मॉल को इसने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो इसने क्या किया कि लिमिट यूज की है कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स की जिनकी हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा में क्या होगा कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस किसी एक डिविजन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा दैट विल टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एंड समेशन जो हमारा था i इज इक्वल टू 1 से लेकर n डेल क्रॉस a एंड n कैप एंड ds हो गया। आगे आप इसको क्या लिख सकते हो,
ये चीज कंबाइन होगी फिर वही चीज हो सकती है। तो एक तरह से एक डिस्क्रीट की बजाय हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है वो लिख सकते हैं जब गैप बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबमिशन है वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एक तरह से कॉन्टिन्यूस वेरिएशन एंड सरफेस इंटीगल हो गया आपका डेल क्रॉस ए एंड डीएस हो गया, ठीक है। तो डेल क्रॉस ए एन कैप और साथ में आपका डीएस हो गया, डीएस की डायरेक्शन क्या है आपकी एन कैप एंड डीएस, ये इक्वेशन फोर्थ होगी। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो हमारी मॉडिफाइड फॉर्म में मिली है हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम क्या लिखेंगे कि a dot dr साथ में आपका क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल ओवर टू क्लोज लूप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय c, तो a dot dr इज इक्वल टू डेल क्रॉस a n कैप एंड आपका क्या हो गया ds, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई जो कि क्या है आपकी फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो करना क्या है सिंपल, आप बताओगे कि लाइन इंटीग्रल इसको आप सरफेस इंटीग्रल है उसमें चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। इसके लिए आप यूज क्या करोगे, कर्ल का यूज करोगे, कर्ल फिर आपको पता होनी चाहिए क्या होता है कि डेल क्रॉस ए, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ये अपनी शुरू में इससे पहले आप मतलब इंट्रोडक्शन है कर्ल का, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस वो सब आप कर चुके हो। डेल है वो हमारा क्या हो गया, एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वो चीज आप बता भी सकते हो कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एस क्या हो गया आपका सरफेस एरिया, आप बताओगे कि एलिमेंट्री एरिया इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फिर एक चीज आपको करनी है कि मतलब आप क्या करोगे कि मतलब n जो है आपका n का वेरिएशन आपको या ये एलिमेंट है वो आप कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उस लाइन इंटीग्रल को हम क्या करेंगे कि भाई अलग दो दो कोई भी पोर्शन है, फर्स्ट सेकंड ले सकते हो आप, थर्ड फोर्थ ले सकते हो, कोई भी दो एलिमेंट्री एरिया लेके आप कहोगे कि सिर्फ आउटर जो पोर्शन है उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग एरिया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कन्वर्ट होके सबमिशन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से जो आउटर कर्व है सिर्फ उसी का हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो हमें हमारा रोल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप यहाँ पे रीजन दोगे। उसके बाद सेकंड थिंग हम कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो उसके हर एक डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो भी आप सबमिशन है राइट हैंड साइड का वो आप इंटीग्रेशन में चेंज कर दोगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, डेल क्रॉस ए डो डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए एन कैप एंड डी एस, और यही हमारी क्या है स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम में जनरली क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एन वेक्टर फील्ड कैन बी कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो ये आगे आप है मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें भी यूज करोगे। आगे थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बता देती हूँ मैं आपको, दिस थ्योरम गिव द रिलेशन, ठीक है, हम समराइज कर सकते हैं कि दिस थ्योरम गिव द रिलेशन बिटवीन द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, कि मतलब एक तरह से ये जो थ्योरम है वो हमें क्या बताती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड और वो किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू द सरफेस एंड कर्व एंड लूप दैट बाउंड दैट सरफेस, ठीक है। ये थ्योरम है वो एक तरह से सरफेस इंटीग्रल या फिर हम कह सकते हैं किसी भी रीजन के कोरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया है कर्व है, ठीक है, लूप की अगर हम बात कर रही है, बाउंड स्टेट का जो भी रिलेशन है, मतलब एक तरह से इन दोनों में सरफेस एरिया एंड जो बाउंड क्लोज सरफेस एरिया क्लोज रीजन होता है उन दोनों में एक तरह से रिलेशन बताती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोक्स थ्योरम, आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।